अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है, मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये अहमद बच्चा, आप इसकी भी वीडियोस देखते रहते होंगे। पिछली दफा मैंने इसकी ब्लोइंग दिखाई थी जिसमें इसने विसल ब्लो किया था, फिर इसने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को ब्लो किया था और मेरी इन्विटेशन में भी माशाल्लाह ब्लो किया था। आज मैं बताना चाहूँ, जब विसल ब्लो हो जाए तो उस विसल ब्लो के कॉन्टेंट में आपने फिर बर्थडे विसल भी यूज करनी है। बर्थडे विसल के बाद आपने इसके बाद इसका जो ये जो बर्थडे विसल जब बजाते हैं तो ये जो रैपर है इसको उतार के इसकी जगह पे बलून भी आपने धागे से बांध देना है और फिर बलून के साथ भी फुलाना है। उसके बाद फिर हमारा आइडल बलून आएगा कि आइडली भी बच्चा बलून ब्लो करेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका भी हो गया है कि ये बलून भी फुला लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, बर्थडे विसल भी कर लेता है। और अभी मैंने इसके साथ धागा नहीं बांधा दबा बलून के साथ, लेकिन आप इसके बाद बलून इसी के ऊपर, इसकी प्लास्टिक के ऊपर जो है ये आप जो है बांध दीजिएगा धागे से और उसके बाद बलून कराएगा और उसके बाद फिर हम सिर्फ बलून देंगे तो वो भी करेगा इंशाल्लाह। इस तरतीब से करेंगे। अब जरा काइंडली वॉच करें कि इसको कैसे सिखाया है। अब जब भी आपने इसे बर्थडे विसल के लिए कराना है तो आपने इसकी विसल की कंटिन्यूटी में आपने बर्थडे विसल देनी है बच्चे को। ये नहीं करना कि आपने जो है ना डायरेक्ट ही बर्थडे विसल दे देना, ऐसा नहीं करना, बल्कि पहले स्टार्ट में 2, 4, 5, 10 दफा विसल ब्लो करानी है और उसकी कंटिन्यूटी में फिर अचानक से उसको बर्थडे विसल भी दे देनी है तो वो उसको भी ब्लो करेगा। फर्क ये है बर्थडे विसल और इसमें, जब आपने बर्थडे विसल देनी है तो आपने जब इसके नोज और जो लिप्स बंद करने हैं, इसमें चूंकि होल होता है विसल में, तो विसल में होल की वजह से अगर हम मैं उसके लिप्स और नोज बंद करता हूं, ब्लॉक कर देता हूं, तो वो इस होल में से ब्रीदिंग ले सकता है, यानी सांस ले सकता है। लेकिन जब हम बर्थडे विसल कराते हैं तो उसमें हमने सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए नेजल पैसेज बंद करना है और जैसे ही ब्लो करने लग जाए फिर आपने वो छोड़ना है ताकि वो ब्रीदिंग भी कर सके, क्योंकि इसके बाद ब्रीदिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि इधर कोई होल नहीं है, ये रैपर बंद हुआ हुआ है। इसलिए जब भी बर्थडे विसल कराएं तो बर्थडे विसल के वक्त आपने 3 से 5 सेकंड के लिए नेजल पैसेज ये होल्ड करना और लिप्स होल्ड करने हैं। लेकिन जब विसल करा रहे हो तब आप ज्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इस होल में से बच्चा ब्रीदिंग ले सकता है, यानी सांस ले सकता है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि बर्थडे विसल करते हुए कि उसको जुकाम वगैरह ना हो, उसका नेजल पैसेज ब्लॉक ना हो, कोई उसको रनिंग नोज ना हो उसकी, यानी उसको कोई नजला जुकाम ना हो। तो अगर वो होगा तो वो फिर आपको तब भी आपको 3 से 5 सेकंड ही आपको होल्ड करना पड़ेगा, उससे ज्यादा फिर भी आपने नहीं करना, और नेजल पैसेज भी उसका ब्लॉक ना हो ये भी जरूरी। लेकिन वैसे तो हम इसमें ब्लॉक कर रहे होते नेजल पैसेज, लेकिन आपने उसको इतनी मार्जिन देना है कि आपके लिप्स भी आपने उसको बार बार छोड़ते रहना है ताकि लिप्स से सांस ले सके वो, अगर नेजल पैसेज ब्लॉक है उसको नजला जुकाम है तो। अब जरा काइंडली वॉच कीजिएगा कि इसके बाद मैंने पहले विसल के बाद मैंने बर्थडे विसल कैसे कराई। चलो ब्लॉक करो, विसल ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से, शाबाश, और जोर से, वेरी गुड, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, वेरी गुड, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से करो, ब्लॉक, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, वेरी गुड, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश। जब देखिए जब उसने अच्छा बजाया उसके फौरन उसकी कंटेंट में ये मैंने नेजल पैसे ब्लॉक रहा ताकि आप ये तरह से ब्लॉक करो और जोर से ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, हाँ जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, शाह, और जोर से, जोर से, शाह, और जोर से, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, हाँ जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, जोर से, जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, शाबाश। इस अंदाजे नहीं, 3 से 5 सेकंड आपने ब्लॉक रखना, उसके बाद फौरन छोड़ देना ताकि अगर इसका नेजल पैसेज बंद है अगर बच्चे का
तो वो मुंह से सांस लेगा, मुंह से भी ब्रीथ कर सके, वरना अगर आप नेजल पैसेज ठीक है तो आप लिप्स को कॉन्स्टेंटली होल्ड कर सकते हैं। पहले नेजल को छोड़ेंगे, इस प्रॉम्प्ट को छोड़ेंगे, फिर आप लिप्स को होल्ड किए ताकि नेजल से सांस लेता रहेगा और इधर से ब्लॉक करेगा। अब जरा वाच किया, मैंने नेजल छोड़ दिया, इसको जुकाम तो नहीं है ना, तो आप देखिएगा मैंने ये नेजल छोड़ के फिर देखिएगा मैं करूंगा। चलो जोर से ब्लॉक करो, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से और जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, जोर, हाँ शाबाश, फिर जोर से ब्लॉक करो, हाँ शाबाश, फिर जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, वेरी गुड। अब इसके लिए आपने पांव पे भी टच कर देना मुसलसल। अब देखिए मैंने पांव पे टच, एक ये प्रॉम्प्ट थी, लिप्स के साथ मैंने टच किया था वो प्रॉम्प्ट थी, और नेजल पैसेज के साथ ये नोज को ब्लॉक किया था, फिर मैंने नोज को छोड़ा, लिप्स को पकड़ा हुआ था उससे भी उसने ब्लॉक किया, फिर मैंने लिप्स को छोड़ दिया तो भी इसने ब्लॉक किया, फिर मैंने पांव को छोड़ दिया तो भी ब्लॉक किया। एक दोबारा वाच किया, इस तरतीब से जब भी हम जितनी भी प्रॉम्प्ट देते हैं हम उसको वन बाय वन प्रॉम्प्ट को फेड करते हैं। तो अब जरा फिर से वाच किया, फिर से मैं करो, देखा तीनों को पांव से भी दे रहा हूं और लिप्स से, ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, अब जोर से ब्लॉक करो, शाबाश, जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, और जोर से, शाबाश, और जोर से ब्लॉक करो, और जोर से ब्लॉक करो, वेरी गुड। देखा मैंने तीनों को, आपने देखा होगा स्टेप वाइज मैंने नेजल को भी किया, नेजल से पहले छोड़ा, नेजल को तीन प्रॉम्प्ट भेज जाते हैं, मैंने नेजल को ब्लॉक किया होता है, नेजल पैसेज को लिप्स से मैंने होल्ड किया होता है, और पांव पे मैंने कांस्टेंट उसको दिया होता है। इनके चूंकि मैं ऑलरेडी पहले सेंसरी पे लिप्स के सेंसरी पे काम कर चुका हूं, टच के सेंसरी और जो पांव के सेंसरी पे काम कर चुका हूं, तो और नेजल पे के सेंसरी पे काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बिहेवियर नहीं दे रहा। आपने भी इस अंदाज से बच्चे को विसल भी ब्लो कराने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अभी मैंने इसको अरेंज नहीं किया हुआ, क्या इसी पैसेज के, ये नहीं जो ये वेपर है इसको उतार के इसके आगे बलून वगैरह जो है वो बांध देंगे, और फिर इसी जब ये अच्छा बजाने लग गया था तो फिर मैंने बलून भी अटैच किया था, और इसके साथ मैंने डिस्टेंस भी पेंट किया सामने से भी, फिर 180 पे भी, फिर 360 पे भी, रूम से बाहर भी, सारी अपना डिस्टेंस पेंट करके भी मैंने उसको यही इंस्ट्रक्शन दी, ब्लो करो, तो इसने माशाल्लाह अच्छा ब्लो किया। आप इसी तरतीब हो चुके, मैं हर वीडियो में बताता रहा हूं कि आपने अपना डिस्टेंस भी पेंट करना है और चेयर्स भी रेंडमाइज करनी है। ज़हन में रखें ऑटिज्म में जब तक रैंडमाइजेशन और फेडनेस नहीं होती इसकी रिकवरी है ही नहीं, तो बच्चा रेपिटेटिवली तो सीखता है, उसके बाद वो रेपिटेटिवली सीखने के बाद उस पर भी रिस्पांस देना छोड़ देता है, इसलिए हमने उसको हर अंदाज में अपना डिस्टेंस भी फेड करना और उसकी चेयर्स भी रैंडमाइज करनी है। जरा फिर से एक दफा आवाज, चलो ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, और जोर से, जोर से, बड़े से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, हाँ और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से ब्लॉक करो, और जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो। अब देखिए रैपर तो खोल रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रही, बाजूबाज इसमें स्लाइवा भी चला जाता है तो इसलिए भी नहीं होती, क्योंकि बार बार उसका स्लाइवा निकाल रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा इससे क्या पता होती है। चलो जोर से ब्लॉक करो, जोर से ब्लॉक करो, चाहो और जोर से ब्लॉक करो, और जोर से ब्लॉक करो, हाँ अब इसमें चूंकि इसके अंदर स्लाइवा चला गया तो आप जब भी स्लाइवा चला जाए तो आपने बर्थडे विजर को चेंज कर देना चाहिए उसकी साउंड है। अब तो मैं जरा काइंडली जरा इसको जरा चेक भी कर लेता हूं कि आया वाकई में इसके स्लाइवा का इशू है, ये मुझसे भी बचती है कि नहीं बचती, अगर मुझसे बच जाती है तो ये नहीं, ये आपने साथ साथ असेसमेंट भी कर लेने के आया, इतना सा बज रही है लेकिन ये फोर्स नहीं लगा रहा, तो अपने फोर्स लगाने के लिए फिर से मैं उसको दे रहा हूं, देखें फिर से मैं उसको करूंगा कि भाई ये बड़े से, हाँ ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, शाबाश, फिर से ब्लो करो, फिर से ब्लो करो, शाबाश। देखिए इसका मतलब है ये नहीं, ये इसका बिहेवियर था, ये नहीं ये फोर्सफुली ब्लो नहीं करा, तो हमने फोर्सफुली भी ब्लो कराना है। ज़हन करके फोर्सफुली ब्लो करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा ऊंची आवाज में जवाब देगा, कल को इसका नाम पुकारा जाए अहमद किधर हो तो ये जवाब देगा जी मामा, अगर रूम में बैठा और मदर उसकी किसी और रूम में आवाज देने, दूर से जब कोई शख्स इसको आवाज देगा तो ये उसका जवाब देगा, तो बर्थडे विशर का ये फायदा होता है कि और बलून का भी, ताकि फोर्स ज्यादा लगाए, ज्यादा लगाएगा तो ऊंची आवाज में बोलना सीखेगा, इसको स्पीच करने में आसानी होगी, यानी ऊंची आवाज में बोलना सीखेगा। चलो फिर से बोलो करो, जोर से, शाबाश, फिर से बोलो करो,
वेरी गुड शावर, इस अंदाज से आपने ग्लो करना है। इसके अगला स्टेप यही है कि इसके आगे बलून रख देंगे, जब वो बलून वाला अच्छा हो जाएगा। इस वक्त चूंकि मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया हुआ इसलिए मैं आपको जस्ट जनरली बता रहा हूं। इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आपने इसको बगैर इसके प्लास्टिक के जो ये है स्ट्रॉ जो है, इस बगैर स्ट्रॉ के जो इसके बनी गए जो सिलेंडर सिलेंडर शेप है ये जो, इसके बगैर यानी डायरेक्ट उसको बलून उसके लिप्स में देना है तो वो ब्लो करे। ध्यान में रखें इसको ब्लो करने के लिए टीथ का यूज हो रहा होता है और लिप्स का यूज हो रहा होता है। विसल को ब्लो करने के लिए भी टीथ बच्चा यूज कर सकता है, टीथ से होल्ड कर सकता है और लिप्स से भी ब्लो कर सकता है, लेकिन जो ये बलून है इसमें अगर बच्चा टीथ से होल्ड करेगा तो ब्लो नहीं हो पाएगा। इसे सबसे पहले उसको लिप से होल्ड सिखाना, वो क्या है लिप से होल्ड करने का तरीका का, ये आपने ऐसे करके होल्ड करके रखना है। पहले शुरू में बच्चा ये क्राई करता था, बहुत बिहेवियर देता था, स्ट्रीमिंग कर रहा होता था, अलहमद शाउटिंग कर रहा होता था, तो अलहमदुल्ला अब इसने शाउटिंग करना स्ट्रीमिंग करना खत्म कर लेनी। इस अंदाज से पहले उसको लिप से होल्ड करना सिखाएंगे, जब वो होल्ड करना सीख लेगा उसके बाद फिर आप उसको कहेंगे ब्लो करो। लेकिन इसी तरतीब से इसी कंटिन्यूटी में अगर यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने अभी बताया, बर्थडे विसल, फिर बर्थडे विसल के ऊपर बलून रखना और उसके बाद बलून, इस अंदाज से चार जो है ब्लोइंग हमने इनको सिखाने, और फिफ्थ ब्लो होगा वो होगा आइडल ब्लोइंग जिसमें हम हमारी मेडिटेशन में ब्लो करता है, वो पहले वो सीख चुका है। अब जरा बात कीजिएगा, चलो ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, फूक करो, हाँ और जोर से करो, चलो और जोर से फूक करो, और जोर से फूक करो, फूक करो, हाँ शाबाश, और जोर से करो, और जोर से करो, शाबाश, और जोर से करो, फूक करो, हाँ शाबाश, और जोर से फूक करो, फूक करो, फूक करो, हाँ फूक करो, फूक करो, फूक करो, हाँ शाबाश शाबाश, फूक करो, फूक करो, फूक करो, हाँ फूक करो, फूक करो, शाबाश, और जोर से, वेरी गुड शाबाश। देखिए फर्स्ट ब्लो कर लिया, अब जब फर्स्ट ब्लो बच्चा सीख जाता है जैसे इस वक्त माशाल्लाह कर रहा है, पहले लिप्स से होल्ड करा रहा है, लेदर डिसऑर्डर है उस पे भी काम हो चुका है और उसके बाद ब्लो करे, तो जब इस पे हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है इसको ब्लॉक कर देना इधर से, जब जब वो ब्लो करेगा मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा, अगले ब्लो पे जो ही ब्लो करेगा मैं उस मेरे रिफ्लेक्स स्ट्रांग होने चाहिए, मैं उसको फौरन छोड़ूंगा ताकि सेकंड ब्लो से वो और फूल आए, थर्ड ब्लो से और फूले, फोर्थ ब्लो से और फूले। बलून फुलाने का जो सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है कि बैकवर्ड फोर्स भी आ रही होती है बलून के अंदर जो कंटेन हुई है, और फॉरवर्ड फोर्स से भी बच्चा ब्लो कर रहा होता है। पीछे बात किया, ब्लो करो, बलून ब्लो करो, चाहो और जोर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, जोर से करो ब्लो, चाहो और जोर से, और जोर से करो, और जोर से करो, चाहो और जोर से करो ब्लो, और जोर से, चाहो और जोर से ब्लो करो, और जोर से, और जोर से करो ब्लो, चाहो और जोर से ब्लो करो, चाहो और जोर से ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, और जोर से करो ब्लो, चाहो जोर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, चाहो और जोर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो। देखिए इसने टी से थोड़ा सा होल्ड किया था, मैंने फिर से उसको लिप से कराया, हाँ हाँ चलो ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो, हाँ ब्लो करो, ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, हाँ और जोर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, चाहो जोर से ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, चाहो और जोर से ब्लो करो, चाहो और जोर से ब्लो करो, 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 जोर से ब्लो करो। अब देखिए ये टी से होल्ड किया, जब जब वो टी से होल्ड किया आपने उसको फिर से उसको इधर से हल्का सा पिंच भी कर सकते हैं और साथ उसको फिर से ब्लो करो, ब्लो करो, ये देखिए फिर से, देखिए टी से, जब अगर वो टी से टच, ये देखिए अगर करेगा तो फिर वो ब्लो नहीं हो पाएगा, आपने लिप से करवाना है उसको। चलो जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, शाबाश शाबाश, ब्लो करो, ब्लो करो, शाबाश मेरे बेटा, ब्लो करो, हाँ शाबाश, और जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, शाबाश, जोर से ब्लो करो, ब्लो करो,
और जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, शाबाश, और जोर से ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, जोर से ये इसने फिर से टीथ से पकड़ा। जब जब वो टीथ से पकड़े आपने बार बार उसको खेच खेच के देखना है ताकि वो लिप से होल्ड करे, लिप से होल्ड करेगा तो अच्छी ब्लो होगा। ब्लो करो शाबाश, ब्लो करो, ब्लो करो, हाँ जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो शाबाश, ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो शाबाश, फिर से ब्लो करो शाबाश, फिर से ब्लो करो, जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो शाबाश शाबाश, ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो शाबाश, जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, हाँ शाबाश, ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो, जोर से ब्लो करो शाबाश, जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो शाबाश, और जोर से शाबाश, और जोर से शाबाश, और जोर से ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, चलो देख लो, और जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो शाबाश, और जोर से ब्लो करो शाबाश, और जोर से, और जोर से शाबाश, और जोर से शाबाश, और जोर से ब्लो करो शाबाश, और जोर से ब्लो करो शाबाश, और जोर से ब्लो करो। ये नया वाला ब्लो था कि पुराना वाला, पुराना वाला था, चलिए ठीक है, और जोर से ब्लो करो, और जोर से ब्लो करो, जहन में रखें जब भी, हाँ वो मैं कराता हूं, तो जब भी आपने ब्लो कराना है तो बलून का जहन में रखें, माशाल्लाह ब्लो करने के लिए वो फूंक तो जोर से मारा है लेकिन उसके अंदर हवा आ चुके इसलिए नहीं जा रही, चुके वो टीथ से भी साथ होल्ड करा है, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो टीथ से होल्ड करना खत्म हो जाएगा और वो लिप से होल्ड करेगा। अभी मैं आपके सामने कराऊंगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा, बाद में बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो अच्छा ब्लो करेगा। जहन में रखें जब भी बलून देना है, नया बलून बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, एक मीडियम साइज का जैसे ये बलून है, लेकिन उसको पहले आपने खुद से ब्लो करके स्ट्रेच जरूर कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी बलून को ब्लो किया जाता है तो वो फोर्स ज्यादा लगाता है, हम चाहते हैं कि ये बलून ब्लो करे थोड़ा कम फोर्स लगा के, इसलिए आपने पहले बलून को खुद से पहले फुला लेना है नए बलून को, उसके बाद उसमें से हवा निकालने के बाद जब आप बलून देंगे उसको तो अच्छा, ताकि उसके जो तमाम जो जिसके रबड़ है वो स्ट्रेच हो जाए। तो आपने यानी इसको चूंकि माशाल्लाह मैंने अभी मदर से पूछा तो इन्होंने स्ट्रेच किया हुआ, यानी पहले फुला के इसमें से हवा निकाल के निकाली हुई है, यानी जब भी नया बलून लें पहले आप उसको खुद मैक्सिमम फुला के 10-20 सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए ऐसे उसको फुलाए रखें, उसमें से हवा निकालने के बाद देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि बलून के जो ये वॉल्स हैं ये स्ट्रेच हो चुकी होंगी, जब स्ट्रेच हो चुकी होंगी तो बच्चे के लिए फोर्स लगाना आसान होगा, क्योंकि हम जब भी आर्टिस्टिक बच्चे को सिखाते हैं पहले हम कम फोर्स से सिखाते हैं उसके बाद हम ज्यादा फोर्स से सिखाते हैं। फिर से बात किया, ब्लू ब्लू करो, हाँ और जोर से ब्लू करो, जोर से करो चलो, और जोर से, और जोर से, अब देखिए ये से टीथ से इतनी होल्ड किया हुआ था फिर मैंने उसको किया, फिर से ब्लू करो, ब्लू करो, ब्लू करो चलो, और जोर से ब्लू करो, हाँ और जोर से, और जोर से ब्लू करो शाबाश, और जोर से ब्लो करो शाबाश, और जोर से ब्लो करो शाबाश, और जोर से ब्लो करो। देखिए फिर से जब जब वो, और इस पे भी दो अंदाज हैं लिफ्ट में रखने के, एक है इस अंदाज से हॉरिजेंटली रखे और दूसरा ऐसे वर्टिकल जहां पे ये क्रीज बनी गई ना ब्लून की, इस तरह से भी दोनों अंदाज से रखा करें, जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिले आपने उस अंदाज से उसको ब्लून ब्लॉक में, देखिए दूसरे अंदाज से रखवा रहा हूं उसको, ब्लून ब्लो करो, ब्लो करो, फूक करो, और जोर से फुकरो, फुकरो शाबाश, और जोर से करो शाबाश, और जोर से फुकरो शाबाश, और जोर से फुकरो शाबाश, और जोर से फुकरो, फुकरो 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 शाबाश, और जोर से करो, देखिए माशाल्लाह, और जोर से करो शाबाश, और जोर से
और दो से करो, फिर से करो, चावा फिर से करो, चावा फिर से करो, और दो से करो, फू करो, फू करो, फिर से करो, चावा और जोर से करो, जोर से फू करो। आप भी इसी तरह से बच्चों पे खूब मेहनत करेंगे, बार बार जा चुके मेरे साथ इसके मोबाइल के चेंज के साथ फर्स्ट डे है तो अल्हम्दुलिल्लाह करा रहा हूं, पहले इसके बगैर नहीं कराया इस चेंज के, क्योंकि मोबाइल फोन की चेंज सबसे बड़ी चीज होती है। तो इस अंदाज से आप भी बच्चे को इंशाल्लाह जब ये ज्यादा ब्लॉक करेगा तो मैं इधर से उसको रोकता ब्लॉक करता रहूंगा और फिर दोबारा कहूंगा ब्लॉक करो, तो फिर ये ब्लॉक करेगा तो इंशाल्लाह अच्छे वाला ब्लॉक करना भी सीख जाएगा। आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से मेहनत करिए। मैं फिर से एक बार करता हूँ, ऐसे अपने डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड में करते रहना, राउंड वन, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ राउंड, तब तक कराते रहे जब तक बच्चा बलून ब्लो अच्छा ना सीख ले। ऑटिज्म में गिव अप नहीं करना, हारना नहीं है, बस आपने इनको हराना है, हमने इनसे करवा के छोड़ना ताकि बच्चा स्पीच कर सके, क्योंकि सवा साल, सवा चार साल, साढ़े चार साल का ये होने लगा है तो अभी तक भी इसकी स्पीच नहीं है, तो अभी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा। और ये छोटे छोटे से टास्क नहीं करेगा जो स्पीच से पहले के हमें प्रीरिक्विजिट्स चाहिए, तो अगर उसको उस पर काम नहीं करेगा तो फिर स्पीच कैसे कर पाएगा। अब जरा फिर से जरा वॉच किया, चलो ब्लू ब्लू करो, चाहो और जोर से करो, चाहो फिर से ब्लो करो, हाँ फिर से ब्लो करो, फिर से ये देखिए, ये जब जब इसके ये देखिए कितना ये देखिए इसने टी से होल्ड किया, जब वो टी से होल्ड करना छोड़ देगा तो बलून अच्छा ब्लो करेगा। फिर से ब्लो करो, फू करो, शाबाश, फिर से करो ब्लो, हाँ ब्लो करो। ऐसे आप नीचे स्पोर्ट भी हल्की सी दे सकते हैं बलून के लिए स्टार्ट में, वो ब्लो करो, ब्लो करो, चाहो और जोर से ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो, शाबाश, ब्लो करो, फू करो, शाबाश, और जोर से फू करो, शाबाश, और जोर से फू करो। ये देखिए ये टी से, ये देखिए ये जितना ये स्ट्रेच, ये किसे क्या, अगर लिप से होता तो फौरन निकलना था, ये देखिए ये कितना ये देखिए स्ट्रेच हो गया, कितना ये टी से करता है। यानी आपने जब भी ब्लो चुका, अभी आज इसका पहला दिन है, स्टार्ट हो रहा है मेरे से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेकंड और थर्ड, फर्स्ट ब्लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अच्छी ब्लो करें और सेकंड और थर्ड ब्लो भी करो, फू करो, जोर से फू करो, हाँ और जोर से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये टी से, ये देखिए अगर ये टी से करेगा तो ये इस पे बार बार काम किया जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसके बार बार इसके लिप्स पे, ये देखिए हम ये जब जब टी से करेगा तो मैं उसको लिप से होल्ड करता हूं, फू करो, फू करो, फू करो, फू करो, हाँ शाबाश, फू करो, जोर से, जोर से, जोर से, वो फिर से टीथ के अंदर डालना चाह रहे, मैंने फिर से खींच दिया, वो उसको लिप से खींच लेते हैं, जोर फू करो, जोर से फू करो, ये देखिए फिर से इसे कर लिया, बार बार फर्स्ट फ्लो कर लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लो करना इसने स्टार्ट कर लिया, कम से कम उसको इसके सेंसेस उसके खत्म हो गए हैं। आप भी इन बच्चों के साथ इसी तरह से मेहनत करेंगे, अब देखिएगा मैं फिर से इसके मुंह में डाल रहा हूँ, फिर से एक दवा दे रहा हूँ, फिर इसको फू करो, जोर से फू करो, फू करो, और जोर से, और जोर से फू करो, फू करो, और जोर से फू करो, फू करो, शाबाश, और जोर से करो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ब्लो तो कर लेता है इंशाल्लाह, मैं बार बार प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और सेकंड और थर्ड ब्लो की भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो देखूंगा जिसमें बच्चे ने बड़ा ब्लून बनाया होगा। आप भी इसी तरह से बच्चों पे खूब मेहनत करें, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी इसी तरतीब से काम करें तो आपके बच्चे भी इंप्रूव होंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह का हमीना से रहे, अल्लाह हाफिज़।